हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं चीते नु वापस लेके आऊंगा। अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की मोस्ट वेटेड फिल्म गधे 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म गधे 2 की। तो सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गधे 2 को 22 सालों के बाद 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छा गई है। फिल्म तो महज 5 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म तो अपने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाते हुए 58 करोड़ की कमाई की है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म गधे 2 पांचवें दिन की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। इंडिपेंडेंस डे पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शंस किया है। वहीं दोस्तों फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 6 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं। फिल्म के डे 6 कलेक्शंस पर नजर डाले तो फिल्म गधे 2 वर्किंग डेज पर कलेक्शंस करने के मामले में अच्छा खासा मेंटेन रखा है। फिल्म के डे 6 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 6 के अंदर करीब 30 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म टू का फ्रॉम डे 6 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 260.88 करोड़ की कमाई कर चुकी है। जी हां दोस्तों, फिल्म महज 6 दिनों के अंदर ही टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस पर नजर डालें तो फिल्म गधे 2 का फ्रॉम डे 6 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 310 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म गधे 2 को ओवरऑल 100 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग सनी देओल के सैलरीज को मिलाकर। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म ने अपने स्टार्टिंग 3 डेज यानी अपने फर्स्ट वीकेंड तक 134.88 करोड़ की टोटल नेट कमाई की थी। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म गधे 2 साल 2023 की फिल्म द कैलाश स्टोरी को पछाड़ कर हिंदी सिनेमा कलेक्शन करने के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लोग सनी पाजी की फिल्म को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि फिल्म देख थिएटर्स के बाहर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों फिल्म गधे 2 को आपने अभी तक देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम स्टार फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो फिल्म OMG 2 को 11 अगस्त 2023 को सनी पाजी की फिल्म गधे 2 के साथ रिलीज किया गया। वहीं फिल्म OMG 2 को भी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ऑडियंस पर गधे 2 की दीवानगी से फिल्म OMG 2 के कलेक्शन पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन फिल्म OMG 2 देख लौट रहे दर्शक फिल्म की जमकर सराहना कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय और पंकज त्रिपाठी को खूब पसंद किया जा रहा है। लोग उनकी फिल्म में उम्दा परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी की शानदार एक्टिंग, तो वहीं अक्षय कुमार शिव के दूत बनकर अपनी भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं दोस्तों फिल्म के अभी तक के कलेक्शंस पर नजर डाले तो फिल्म इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त डे 5 के अंदर शानदार कलेक्शंस किया। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 5 के अंदर 18.50 करोड़ की टोटल कमाई की है। वहीं दोस्तों फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 6 कलेक्शंस पूरे हो चुके हैं। फिल्म के डे 6 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 6 के अंदर 8 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म OMG 2 का फ्रॉम डे 6 तक इंडिया बॉक्स ऑफिस से 81.67 करोड़ की टोटल कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म OMG 2 को ओवरऑल 150 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, जिसमें से 35 करोड़ अक्षय कुमार की सैलरी है। दोस्तों फिल्म OMG 2 आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।